छावनी थाना क्षेत्र के शादापारा में 21 जनवरी को 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्थानीय विधायक ने आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। नतीजतन सोमवार को आरोपियों के तमाम अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के बाद विधायक रिकेश सेन ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वैशाली नगर विधानसभा में अपराध व अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। 22 जनवरी को मैंने कहा था कि आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई की गई। विधायक रिकेश सेन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी ये जान लें कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अपराध करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। कक्षा 12वीं के छात्र शिवम के हत्या के आरोपियों के यहाँ आज बुलडोजर चला है। मैंने कहा था 22 जनवरी को कि जो भी वैशाली नगर विधानसभा में अपराध करेगा, चाहे वो धारा 307 हो, चाहे 302 हो, हमारी बहु बेटियों के साथ छेड़खानी हो, कोई भी ऐसा आरोपी अगर पाया गया तो सबके घर बुलडोजर चलेगा। आज 4 आरोपियों के घर में बुलडोजर चला है। मेरे विधानसभा में अपराधी सतर्क हो जाए और जिस माई के लाल में हिम्मत है वो अपराध करके दिखाए वैशाली नगर विधानसभा में। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा, अपराध मुक्त जो है वैशाली नगर विधानसभा बनेगा। फिर से हिंदी में समझा दे रहा हूँ सभी अपराधियों को, ये समझ ले कि अपराध करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कुछ भी हल्का सा भी आपने कोई कार्रवाई किया, किसी भी अपराधियों ने कोई भी एक्टिविटी दिखाई, तो उसके ऊपर उसके घर में बुलडोजर चलेगा, जैसे आज शिवम के हत्यारों के घर में चला है।